वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं अपना नूडल्स चैलेंज, जो कि सुना है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। तो हमने ये वाले नूडल्स जो है वो मंगवाए हैं draz.pk से, जो कि बहुत ही क्विक सर्विस है और वो अगले दिन ही हमें रिसीव हो गए थे। लेकिन आ गई ईद, जिसकी वजह से हमने इसको डिले कर दिया। तो आज हम इस चैलेंज को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो मेरे साथ चैलेंज करने वाली है वो है मेरी छोटी सिस्टर, वन एंड ओनली कोमल। चैलेंज के लिए जो नूडल्स है वो मैं आपको दिखाती चलूँ, वो ये वाले नूडल्स हैं। और सुना है कि ये बहुत 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 स्पाइसी हैं। तो आप ये वाले नूडल्स हैं जो हम खाएंगे और आपको बताएंगे कि ये कितने कुछ स्पाइसी हैं और हैं कि नहीं, और इसका टेस्ट कैसा है। तो चलते हैं चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, हम नूडल्स बनाने लगे हैं और जब हमने नूडल्स का पैकेट खोला तो बहुत ही तगड़े नूडल्स थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये नूडल्स कम और स्पैगेटी ज़्यादा लग रही थी। और इसको हमने एक कप पानी में, बल्कि एक ग्लास पानी में हमने इनको बॉईल किया, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम लिया था बॉईल होने में भी। और यहाँ पर हमने जो है चॉकलेट्स ऐसे सजा ली थी कि जैसे पता नहीं कितनी को मिर्चें हमें लगने वाली हैं, लेकिन मिर्ची बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब इतनी नहीं थी जैसे सबने इस पर चैलेंज किया हुआ है और बहुत ही उनको मिर्ची लगती है। हमें भी लगी थी, शायद हमने पूरा नहीं बाउल खाया इसलिए हमें नहीं लगी, ये रीज़न भी हो सकती है। मिर्चें थी, मतलब इससे ज़्यादा मिर्ची जो है ना वो हमारी पाकिस्तानी बिरयानी में इससे ज़्यादा होती है मिर्ची, तो इसमें उतनी मिर्ची नहीं थी कि जिससे आप जल बुझ जाएँ। हमें मिर्ची लगी थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में नहीं थी लगी। इसका टेस्ट बहुत बुरा था, इसलिए हम बार बार जो है वो कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे थे। टेस्ट इसका चीज़ फ्लेवर ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन चीज़ था नहीं, अजीब ही था। जनाब, हमने डिनर नहीं किया था यही सोच कर कि पैकेट जो है नूडल्स का बहुत बड़ा है तो हम यही एक एक बाउल खा जाएंगे तो हमारा चैलेंज भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमें इसका टेस्ट जो है वो पसंद नहीं आया। और शुरू शुरू में थोड़ी सी हमें मिर्ची लगी थी और हमें नाटक करने की कोशिश भी की कि शायद हमें मिर्ची लग रही है, लेकिन लग भी रही थी और टेस्ट भी अजीब था। कोशिश की कि हम खा लेंगे पर हम दोनों से नहीं खाया गया। और मिर्ची इसमें ऐसी नहीं है कि आप लोगों से खाई ना जा सके, आप बाउल पूरा खा सकते हैं अगर आपको ये फ्लेवर पसंद आ जाए तो। जनाब, यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है, वीडियो देखकर आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली नूडल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा गर्म थे, गर्म गर्म हम लोगों ने खाना शुरू कर दिए, इस वजह से हमें मिर्ची भी डबल लग रही थी, इतनी है नहीं थी। और दूसरा ये कि नूडल्स बहुत ज़्यादा गर्म थे, हम बार कोल्ड ड्रिंक्स पिए जा रहे थे और स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिमिट रखी थी कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 सिप लेने हैं, 3 मेरे सिप होंगे और 3 मेरी सिस्टर के होंगे, इससे ज़्यादा हम जो है वो सिप नहीं ले सकते कोल्ड ड्रिंक के। लेकिन हम दोनों से ही जो है वो फ्लेवर हम दोनों को पसंद नहीं आया तो हम कोल्ड ड्रिंक जो है पिए जा रहे थे। और जनाब, हमें हंसी बहुत ज़्यादा आ रही थी कि हम लोगों से खाए नहीं जा रहे, और ऑडियंस को हम लोग क्या शो करवाएं कि हमसे खाए नहीं जा रहे, या हमें स्पाइसेस लग रही हैं, मिर्चें लग रही हैं, क्या करें। और फिर हम लोग खाते गए जितना खा सकते थे। तो जनाब, मैंने यहाँ पर कहा है कि मुझसे अब इससे ज़्यादा नहीं खाए जाएंगे, क्योंकि मुझे जायका बहुत बुरा लगा था और मैंने यहाँ पर क्विट किया इस वजह से कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं था, इस वजह से बिल्कुल नहीं कि इसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा थी।
फिर यूँ हुआ कि हमने जो है दो बॉल का एक बॉल बना दिया, इनको इकट्ठा किया और इसको फ्रिज में रखा, और अगले दिन हमने यही नूडल्स गर्म करके अपने कजन्स को खिला दिया। ये नूडल्स बिल्कुल भी मजे के नहीं थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हम कितना जबरदस्ती से ये नूडल्स खा रहे थे। स्पाइसी होंगे, अगर हम कुछ ज्यादा खाते तो शायद हमें स्पाइसी लगते, लेकिन इतने स्पाइसी भी नहीं है कि ये खाए ना जा सके। थे स्पाइसी मगर इसका टेस्ट इतना गंदा था कि हमसे खाए नहीं जा रहे थे। चीज फ्लेवर में थे ये नूडल्स और इनका बिल्कुल मजा नहीं है। पता नहीं कैसे के नूडल्स से हम लोग बार बार जो है वो कोल्ड ड्रिंक ही पिए जा रहे थे कि ताकि इसका टेस्ट जो है वो खत्म होता जाए। बहुत गंदा टेस्ट है इसका। आप लोगों ने कभी भी ये पिंक वाला जो फ्लेवर है, पिंक नूडल्स आप लोगों ने नहीं लेने। दराज ऑनलाइन पर रेड वाले भी हैं, तो आप लोगों ने रेड वाले जरूर ट्राई करने हैं। मैंने वो वाले ट्राई नहीं किए, शायद वो टेस्टी हो, पर मैंने वो इसलिए नहीं थे परचेज किए क्योंकि मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा स्पाइसी होंगे तो हमसे खाए नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने चीज फ्लेवर जो है वो सिलेक्ट किया। लेकिन ये बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत गंदा टेस्ट है इसका। मेरी सिस्टर से भी खाया नहीं गया, अभी वो बिल्कुल एक किस्म की वॉमिटिंग कर रही है, इतना ये गंदा टेस्ट है। बल्कि हम लोगों ने भूख रखी हुई थी, हम लोगों ने डिनर नहीं किया था कि हम लोग नूडल्स खाएंगे, लेकिन हम लोगों से खाए नहीं गए, हालांकि हमें भूख भी थी। मैं हैरान हूँ कि लोग ये पूरा पूरा बाउल कैसे खा जाते हैं, कैसे 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 खा जाते हैं। हम लोगों से बिल्कुल नहीं खाया गया, आपके सामने हमने 3 से 4 बाइट्स ली होंगी, वो भी मुश्किल से ली है। तो ये रहा हमारा आज का बकवास तरीन चैलेंज जो कि बहुत ही गंदा रहा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।